अभी अभी 10 मिनट पहले सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले ईपीएस पेंशन को लेकर सीबीटी का अभी अभी एक नया आदेश जारी, जिसके बाद ईपीएस पेंशन में होने वाली है बढ़ोतरी। साथ ही एनपीएस में 2 बदलाव को लेकर सरकार ने सुनाया नया फैसला, जिसके बाद अब आपको एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी और साथ ही ईपीएस पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर सीबीटी का अभी अभी 5 मिनट पहले नया ऐलान हुआ है। जिसके बाद जो पेंशन धारक है, जो एनपीएस के और ईपीएस के पेंशनधारक है, उनका फाइनली किस्मत है वो खुल चुका है। उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला अभी अभी 10 मिनट पहले जारी हुआ है। तो सीबीटी का क्या फैसला जारी हुआ, सरकार ने एनपीएस को लेकर कौन से बदलाव जारी किया है, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले। साथ ही 2 नए नियम जो जारी हो चुके हैं, जो कि हमेशा के लिए लागू होने वाले हैं। तो कौन से नियम होंगे और आपकी पेंशन ईपीएस कितनी बढ़ेगी, अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है या फिर एनपीएस के पेंशन धारक है, तो कृपया करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सारी जानकारी को जानेंगे एक एक करके, क्या आपके लिए पेंशन में क्या बदलाव कब से यानी कि लागू होने वाले हैं, क्या बदलाव ये जारी हुए जिसके अनुसार आपको पेंशन का लाभ कब से देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। उसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई से नई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक अगर आप यानी कि 2004 के ईपीएस पेंशनर से या फिर 2010 के या फिर 2015 के रिटायर्ड कर्मचारी है, उन सभी पेंशन धारक उनको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। यानी कि पेंशन ईपीएस में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जो आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 65 लाख ईपीएस के पेंशन धारक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे, तो उनका संघर्ष और इंतजार फाइनली अब दोनों खत्म होने वाले हैं। उन सभी पेंशनर्स को जो ईपीएस की पेंशन 1,000 रुपए की मिलती है, ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक उनमें से जिनको 1,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 1,000 रुपए की जगह 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन की राशि देखने को मिलेगी। यह जानकारी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है कि जो पेंशन धारक ईपीएस के, उनको अब मिनिमम पेंशन की राशि में पहला बड़ा यानी कि तोहफा मिला है। उनकी एक बार किस्मत फिर से खुल चुकी है। तो रिटायर्ड कर्मचारी को ईपीएस पेंशन 7,500 प्लस डीए के साथ में मिलेगी। अगर बात करें 18 माह का डीए एरियर को लेकर भी अपडेट साथ में आ रही है कि 18 माह का डीए एरियर है, जिसको इसी महीने के अंदर अंदर कभी भी यानी कि आपके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी यानी कि जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि आपका 18 माह का एरियर को लेकर भी सरकार जल्द फैसला करने वाली है। तो फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है कि आपकी पेंशन है जो उसके साथ ही एरियर है जो आपका भुगतान किया जाएगा। पेंशन और एरियर को लेकर यह जानकारी बताई जा रही है कि इसको लेकर आदेश जारी हुआ है, नए नियम जारी हुए हैं। ओपीएस को हमेशा के लिए क्या बहाल कर दिया जाएगा, कर्मचारियों की मांग यही है कि सरकार हमेशा के लिए ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। तो एनपीएस में क्या संशोधन बताई जा रही है, जिसके बाद एनपीएस में आपको पेंशन कितनी देखने को मिलेगी। तो फाइनली ये फैसला आज 3 बजे यानी कि अभी अभी जारी हुआ है। और अगर आप भी यानी कि 2004 से पहले यह बात के रिटायर्ड कर्मचारी, अगर आप पेंशन के भेदभाव का सामना कर रहे हैं तो भी आपको बड़ी राहत मिली है, पेंशन के भेदभाव से भी छुटकारा मिलेगा। यानी कि 2004 के रिटायर्ड कर्मचारी है या फिर 2005 के या फिर 2010 या 2014 या 15 कभी भी रिटायर्ड कर्मचारी जो कि पेंशन के भेदभाव को लेकर सामना कर रहे थे कि किसी पेंशनधारक को ज्यादा पेंशन मिल रही तो किसी पेंशनधारक को कम पेंशन मिल रही थी, तो वैसे कि पेंशन का भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर अपडेट मिली है कि पेंशन का भेदभाव का सामना भी अब आपको नहीं करना पड़ेगा और ईपीएस पेंशन है वो भी 7,500 प्लस डी के साथ में मिलेगी। तो ओपीएस का यह प्रस्ताव है वो पारित होने वाला है। फिलहाल देखा जाए तो ओपीएस को लेकर आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं किया है कि आपका ओपीएस पर से यानी कि बाल होगा, लेकिन ओपीएस को लेकर जो कर्मचारी की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अब इस तरह की अपडेट मिली है कि ओपीएस का जो प्रस्ताव है वो पास होने के बाद आपको क्या ओपीएस मिलेगी या फिर एनपीएस में संशोधन मिलेगा, इसकी आधिकारिक घोषणा अगर देखा जाए तो पेंशन ईपीएस और ओपीएस को लेकर यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन ईपीएस 7,500 प्लस डीए होगी मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन आपको देखने को मिलेगी। अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस को लेकर यह जानकारी तो बताई जा रही है कि प्रस्ताव पारित होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो फिर आपका पेंशन है एनपीएस में अब संशोधन होगा या फिर आपकी ओपीएस बहाल होगी, या फिर आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आपकी आखिर कौन सी मांगे जिन्हें पूरा किया जाएगा। तो ईपीएस को लेकर कोई भी यानी कि फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, नहीं आपकी ओपीएस को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव पास हो गया हो जिसके बाद आपको एनपीएस है जिसमें संशोधन के बाद आपको अपने मूल वेतन का 40 से 45% यानी कि पेंशन मिले, तो इसको लेकर कोई भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तभी घोषणा नहीं हुई तब तक आपकी पेंशन को लेकर कोई भी बदलाव को माना नहीं जाएगा। तो इस तरह की आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर ये पहला बड़ा बदलाव का या पहला बड़ा अपडेट का तो यही होने वाला है। तो इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई तब तक इस खबर को पूरी तरह से सच नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की बहुत सारी आपको देखने को मिलती है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। अगली और एक अपडेट आ रही है जिसमें कि ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर दावा किया जा रहा है।
जिसमें यह जानकारी मिली है, जो कि ईपीएफ द्वारा यह जानकारी मिली है कि ईपीएफ ने पेंशन को लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है और ईपीएफ पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, नए नियम जारी किए, जिसके अनुसार आपकी पेंशन है 1000 रुपए की राशि बढ़कर कितनी होगी, 3000 रुपए होगी या फिर 9000 रुपए होगी या फिर 7500 रुपए या फिर 5000 रुपए की पेंशन होने वाली है। इनमें से कौन सी पेंशन आपकी ईपीएस में लागू होने वाली है, इस नए सर्कुलर के अनुसार देखेंगे कि आखिर ईपीएस पेंशन धारक है उनकी पहली 1000 रुपए की पेंशन में अब कितनी बढ़ोतरी होगी। नया सर्कुलर जारी किया है ईपीएफ ने, इस तरह की जानकारी मिली कि नई पेंशन भी मिलेगी इस सर्कुलर के अनुसार। तो वैसा कि अगर आपकी पेंशन की लिमिट को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 3000 रुपए, 9000 रुपए और 7500 रुपए की पेंशन को लेकर जानकारी मिली है। यह भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि इस तरह की पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन आधिकारिक यह भी घोषणा सरकार से और ईपीएफ से नहीं हुई है कि आपकी पेंशन है जो सीधा ही 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए किया जाए, लेकिन पेंशन धारकों की यह प्रमुख मांग है यह बनी हुई है कि सरकार इतनी पेंशन लागू करे। तो यह सर्कुलर इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि आपकी पेंशन अब नई पेंशन है जो 7500 रुपए होगी या फिर 9000 रुपए की होगी या फिर 3000 रुपए की होगी, तो इसको लेकर कोई भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जो पेंशन से जुड़ा यह जानकारी बताई जा रही है कि सर्कुलर अंदर जो जारी हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो फिर आपकी पेंशन को लेकर अब क्या सरकार ने आश्वासन पेंशनर्स को दिया, तो श्रम मंत्रालय के द्वारा पेंशन धारकों को एक बार फिर से आश्वासन मिला है कि उनकी पेंशन की राशि में सरकार कुछ नए नियम और बदलाव करेगी, जिसके बाद पेंशन धारकों को उनका असली हक मिलने वाला है। जिसके बाद एनएससी की टीम के द्वारा जो संघर्ष था उस संघर्ष को भी कुछ समय के लिए अब रोका गया है, फिर से कि आप सभी जो पेंशनर्स हैं उनकी मांगों को लेकर आश्वासन मिलने के बाद संघर्ष को भी कुछ समय के लिए रोका गया है। जिसके बाद क्या आपकी पेंशन अब कितनी लागू होगी, तो ये कोई कन्फर्म अभी तक स्पष्ट फैसला सरकार से सामने नहीं आया कि आपकी पेंशन अब कितनी लागू होगी और कब से आपको ये पेंशन की राशि देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर फिलहाल लंबित फैसला है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आपकी ओपीएस को लेकर। ओपीएस को लेकर अगर बात करें तो ओपीएस की बाली को लेकर जो कर्मचारियों की मांगे है उन मांगों को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने कमेटी का जिक्र करते हुए आपकी एनपीएस के संशोधन को लेकर कहा है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवालों के जवाब में सदन को यानी कि सदन को कहा है कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का जो गठन किया गया था, और बाकी सवालों के जवाब में चौधरी ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 24 मार्च 2023 की घोषणा के अनुसार में जैसा कि एक समिति जो एनपीएस रिव्यू के लिए बनाई गई थी वो सचिव की अध्यक्षता के अंदर जो यानी कि वित्तीय सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी अब सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। कमेटी के जो सदस्य में सचिव कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय विशेष सचिव विभाग वित्त मंत्रालय अध्यक्षता में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए भी शामिल है, जिसमें कि आपकी पेंशन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कमेटी के द्वारा जल्द इस रिपोर्ट को यानी कि सौंपा जाएगा सरकार को, जिसके बाद आपकी ओपीएस या फिर एनपीएस को लेकर फाइनली फैसला होने वाला है। कमेटी इन विषयों पर तैयार कर रही है रिपोर्ट। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए मौजूदा ढांचे की संरचना वर्तमान में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर मांगे है उनके अनुसार क्या किसी भी बदलाव किया जाना चाहिए उचित है या फिर नहीं, कोई भी बदलाव करना एनपीएस में जो मिल रही है उसमें 2000 यानी कि 4 के बाद पेंशनर्स को उसमें कुछ बदलाव किया जाना उचित है या फिर नहीं, इसकी यानी कि कमेटी पूरी तरह से जांच करेगी। उसके बाद यानी कि कमेटी विचार करके रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार आपकी पेंशन में बदलाव करेगी। तो इस तरह की यानी कि आपकी एनपीएस को लेकर कहे तो या फिर ओपीएस की बाली को लेकर कहे तो ये अपडेट होने वाली है। तो फिलहाल स्पष्ट कोई भी बाली को लेकर फैसला सरकार से जारी नहीं हुआ है, नहीं स्पष्ट फैसला ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जारी हुआ है कि आपकी पेंशन इतनी बढ़ेगी। तो फिलहाल ये लंबित फैसला है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है, अनुमान ऐसा किया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक आपको अच्छी गुड न्यूज भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जानकारी होने वाले ऐसी और भी नई ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे।